Hi friends, welcome to Sarkandron LDC classes. In this class, we are going to see the some objective questions of Railways Act 1989, which is important for our railway exams. Okay, Sarkandron LDC classes में आपका स्वागत है. आज हम लोग इस क्लास में जो है रेलवे एक्ट से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आइए क्लास को शुरू करते हैं. पहला प्रश्न है, एग्जीबिशन ऑफ टाइम टेबल एंड फेयर किस सेक्शन में आते हैं. कहने का मतलब है, स्टेशनों पर गाड़ियों की समय सारणी और दर किराया दर जो सूचित किया जाता है वो रेलवे के किस धारा द्वारा किया जाता है. तो आपका उत्तर होगा 49 द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाड़े के भुगतान पर टिकट देना किस सेक्शन में आता है. ऑन पेमेंट ऑफ फेयर टिकट जो हम लोग देते हैं वो किस सेक्शन के द्वारा देते हैं. तो इसका आंसर होगा धारा 50 द्वारा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, किस सेक्शन के द्वारा अगर किसी एडिशनल यात्री को टिकट जारी कर दिया गया है और एकोमोडेशन नहीं होने के कारण पैसे की वापसी की जाए. देखिए पॉइंट को समझिए, कहता है कि अगर किसी पैसेंजर को अगर हम टिकट जारी कर दिए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर वो एकोमोडेशन नहीं दे पाते हैं तो उनको लोअर क्लास में ट्रेवल करना होगा, ये शर्त दिया जाता है. और इस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो फेयर का जो डिफरेंस होता है वो हम वापस करते हैं. या किस सेक्शन के द्वारा होता है ऐसा, तो यह जो है रेलवे के सेक्शन 51 के द्वारा होता है. ठीक है ना. 4 में टिकट का रद्दीकरण और पैसे की वापसी किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है. जो टिकट का जो कैंसिलेशन होता है वो हम लोग किस सेक्शन के द्वारा करते हैं, तो द होगा सेक्शन 52 द्वारा करते हैं. ठीक है. 5 में किस सेक्शन में टिकट के विरुद्ध हस्तांतरण का प्रोविजन किया गया है, मतलब ट्रांसफर ऑफ टिकट जो है ना प्रोहिबिटेड किया गया है, वह है आपका सेक्शन 53 द्वारा. ठीक है. 6 में है, प्रोविजन एंड सरेंडर ऑफ पास एंड टिकट किस सेक्शन में आता है. आपका उत्तर होगा सेक्शन 54 द्वारा. रेलवे की धारा 54 द्वारा जो है ना पास हो या टिकट हो उसका प्रोविजन और टिकट का सरेंडर किया जाता है. ठीक है. इसमें कहने का मतलब हो गया, इस पॉइंट को समझिए कि अगर आपसे डिमांड किया जाता है टिकट दिखाने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा 100 टिकट ऑन डिमांड, और ये जो टिकट है आपको डेस्टिनेशन स्टेशन पर जो है वो जमा भी कर देना पड़ेगा. ठीक है. 7 में है, बिना पास और टिकट के विरुद्ध यात्रा का प्रोविजन, विदाउट पास और टिकट टू इंटर ए कोच किस सेक्शन में आता है. यह है आपका सेक्शन 2 में, सेक्शन 55 द्वारा. रेलवे का धारा जो 55 है वो कहता है कि बिना पास या पीटीओ के, जो वैलिड अथॉरिटी है ट्रेवल करने का ट्रेन में, उसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. 8 में, किस सेक्शन के द्वारा इन्फेक्शियस और कंटेजियस बीमारी वाले जो यात्री होते हैं उनको यात्रा से रोका जा सकता है. इसका उत्तर होगा द सेक्शन 56 द्वारा, धारा 56 द्वारा. रेलवे के धारा 56 कहता है कि अगर कोई यात्री संक्रमित है, संक्रमित बीमारी से ग्रसित है, ठीक है ना, तो उनको हम यात्रा से रोक सकते हैं, उनको यात्रा करने नहीं दे सकते. यह अधिकार किस सेक्शन द्वारा मिलता है, तो सेक्शन 56 द्वारा. ठीक है. 9 में, किस धारा द्वारा प्रत्येक कंपार्टमेंट में अधिकतम यात्री का संख्या निर्धारित किया जाता है. देखिए किसी कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने पैसेंजर्स रहेंगे इसका जो फिक्सेशन होता है वह रेलवे के धारा 57 द्वारा होता है. ठीक है. 10 में है, किस धारा द्वारा महिला के लिए कंपार्टमेंट एयर मार्किंग किया जाता है. लेडीज़ के लिए भी जो है कंपार्टमेंट जो होते हैं एयर मार्क्ड होते हैं, वो किस सेक्शन के द्वारा, तो आपका आंसर होगा रेलवे के सेक्शन 58 द्वारा, 58 द्वारा. 11 में, किस सेक्शन द्वारा यात्री और रेलवे सर्वेंट के बीच कम्युनिकेशन उपलब्ध कराया जाता है. आपका उत्तर होगा रेलवे के धारा 59 द्वारा, 59 द्वारा. देखिए ICC जो होता है, इंटर कम्युनिकेशन चेन टू स्टॉप चेन, मतलब चेन पूरी, ये जो ICC जो चेन दिया जाता है हर बोगी में, इसका उद्देश्य होता है कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में जो है पैसेंजर चाहे तो उस इमरजेंसी चेन का जो यूज करके गाड़ी को रोक सकते हैं. ठीक है ना. तो यह जो उपलब्ध कराया जाता है वो रेलवे के धारा 59 द्वारा. ठीक है. ICC का भी आप फुल फॉर्म जानते रहे, नॉलेज में रखिएगा, इंटर कम्युनिकेशन चेन टू स्टॉप चेन, चेन पुलिंग के लिए ऐसा किया जाता है. ठीक है. 12 में है, जो फ्रॉडेंटली यात्रा करते हो या जो बिना टिकट या पास का यात्रा करने की कोशिश करते हो तो पकड़े जाने पर
फाइन 1,000 रुपये लिया जाता है या 6 महीने का जेल हो सकता है या दोनों हो सकता है पनिशमेंट के रूप में। यह रेलवे के किस सेक्शन द्वारा होता है? तो आपका उत्तर होगा ब सेक्शन 137 द्वारा, रेलवे की धारा 137 द्वारा। देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे यात्री होते हैं, कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, वो विदाउट टिकट ट्रैवल करने का होता है और वो ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर इस तरह के जो लोग होते हैं वो पकड़े जाएंगे तो उनसे 1,000 रुपये फाइन या 6 महीने का जेल या दोनों हो सकता है। यह रेलवे का धारा 137 द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस सेक्शन द्वारा एक्सेस चार्ज और भाड़ा बिना पास या टिकट के होने पर लिया जाता है? आपका उत्तर होगा सेक्शन 138 धारा 138 द्वारा। कहता है कि अगर कोई यात्री बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो रेलवे का धारा 138 कहता है कि उनसे हम एक्सेस चार्ज और भाड़ा दोनों मिलाकर जो है लेंगे। कब? जब वो विदाउट टिकट हैं तब, ठीक है ना। 14 है, एकोमोडेशन के ट्रांसफ़र का प्रोविजन किस सेक्शन द्वारा बताया गया है? कहने का मतलब है कि आपको जो भी एकोमोडेशन उपलब्ध कराया गया है आप उसका ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये मना किया गया, वो रेलवे के किस धारा में है? तो आपका उत्तर होगा 253 द्वारा, ठीक है। 15 में, बिना जरूरत का ट्रेन में कम्युनिकेशन इंटरफेयरिंग करने पर जुर्माना 1,000 रुपये या 1 साल का जेल या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा होता है? तो आपका उत्तर होगा 141 द्वारा। रेलवे का धारा, रेलवे का सेक्शन 141 कहता है, 141 कहता है कि अगर कोई यात्री बिना कारण के, बिना जरूरत का ट्रेन में जो ये कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन का जो साधन दिया गया है अगर वो उसका वो मिसयूज करते हैं तो उनको 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल का जेल या दोनों हो सकता है, ठीक है। 16 कहता है, टिकट के ट्रांसफ़र पर जुर्माना 3 महीने का जेल या 500 रुपये या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा होता है? अगर कोई यात्री अपने टिकट का आरक्षण करवाए हों और वो अपने टिकट का ट्रांसफ़र करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, तो उनको 3 महीने का जेल हो सकता है या उनसे 500 रुपये जुर्माना के तौर पर फाइन के रूप में लिया जा सकता है या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा हो सकता है? तो यह रेलवे के धारा 142 द्वारा होगा, ठीक है। 17 में है, अनऑथराइज्ड तरीके से रेलवे टिकट के बेचने पर 3 साल का जेल या 10,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा होगा? इसका आंसर होगा रेलवे की धारा 143 द्वारा। रेलवे की धारा 143 कहती है कि अगर कोई गलत ढंग से, अनऑथराइज ढंग से रेलवे टिकट को सेल करता है, बेचता है, तो उनको 3 साल का जेल या 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर भरना पड़ सकता है या दोनों देना पड़ सकता है, ठीक है। 18 में, प्रोविजन हॉकिंग एंड बेगिंग, भीख मांगना का रेलवे के किस धारा द्वारा ये प्रोविजन किया गया है जिसमें 2,000 रुपये फाइन या 1 साल का जेल या दोनों हो सकता है। देखिए ट्रेन में हॉकिंग हो या बेगिंग हो ये मना किया गया है। ट्रेन में आप ना भीख मांग सकते हैं, ठीक है ना, कोई बिना लाइसेंस के आप कोई सामान बेच सकते हैं। यह रेलवे के धारा 144 द्वारा मना किया गया है। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपसे 2,000 रुपये फाइन या 1 साल का जेल या दोनों हो सकता है, ठीक है ना। 19 में है, शराब पीने या न्यूसेंस करने पे 6 महीने का जेल या फाइन 500 रुपये या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा है? तो आपका उत्तर होगा 145 द्वारा। रेलवे का सेक्शन 145 कहता है, रेलवे की धारा 145 कहता है कि अगर कोई इंटॉक्सिकेशन, शराब पीने या न्यूसेंस करता है तो उसको 6 महीने का जेल या 500 रुपये फाइन या दोनों किया जा सकता है पनिशमेंट के रूप में, ठीक है। 20 में है, रेलवे कर्मचारी को उनके ड्यूटी में अगर ऑब्स्ट्रक्टिंग करते हैं, अगर कोई दिक्कत पैदा किया जाता है तो उनको 6 महीने का जेल या 1,000 रुपये फाइन या दोनों पनिशमेंट दिया जा सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा होता है? यह रेलवे की धारा 146 द्वारा होता है। रेलवे की धारा 146 क्या कहता है कि अगर ऑन ड्यूटी किसी रेलवे सर्वेंट को, रेलवे कर्मचारी को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनको 6 महीने के जेल या 1,000 रुपये का फाइन या दोनों पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। 21 में है, ट्रेसपास या ट्रेसपास से डेसिस्ट के मना करने पर 6 महीने का जेल या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। जैसे रेलवे जो भी ट्रैक्स वगैरह है और अगर आप उसको पार करते वो भी गलत है, ठीक है ना, कानूनों को जुर्म है। अगर ऐसे कि ट्रेसपास करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने का जेल या 1,000 रुपये फाइन या दोनों देना पड़ सकता है। यह रेलवे की धारा 147 द्वारा ऐसा होता है, ठीक है।
22 में ट्रेन के छत है स्टेप या इंजन पर अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको 3 महीने का जेल या 500 रुपये फाइन या दोनों देना पड़ सकता है। यह रेलवे की धारा 156 द्वारा ऐसा होता है। इसीलिए जो है ना, रेलवे का छत है, ट्रेन का जो छत है, स्टेप जो है या इंजन है, इस पर यात्रा करना नहीं चाहिए। 23 में पास या टिकट पर अल्टरिंग या डिफेंसिंग करने पे 3 महीने का जेल या फाइन 500 रुपये या दोनों देना पड़ सकता है। अगर पास या टिकट पे अगर आप अल्टरिंग करते हैं, किसी चीज़ को बदल लिखे हुए चीज़ को बदलते हैं, ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो यह दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको 3 महीने का जेल या 500 रुपये फाइन या दोनों देना पड़ सकता है। यह रेलवे की धारा 157 कहती है, ठीक है ना। 24 में कैरेज या जगह जो महिला के लिए आरक्षित हो में अगर कोई प्रवेश करता है तो उनको 500 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है। यह रेलवे की धारा 162 कहता है। रेलवे का सेक्शन 162 कहता है कि अगर कोई मेल पैसेंजर लेडीज़ के लिए आरक्षित जगहों में, चाहे वो कैरेज हो या जगह जो भी महिला के लिए अगर रिजर्व्ड है, अगर उसमें वो प्रवेश करते हैं जाते हैं तो उनको 500 रुपये फाइन देना पड़ सकता है। यह रेलवे की धारा ये 162 कहती है, ठीक है। 25 मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स किस सेक्शन में आता है, जिसके लिए 500 रुपये पर क्विंटल फाइन देना पड़ सकता है। यह है सेक्शन 163 रेलवे की धारा 163 द्वारा अगर गुड्स का मिस डिक्लेरेशन किया जाता है तो उनको 500 रुपये पर क्विंटल फाइन देना पड़ सकता है। 26 में है नियम से हटकर खतरनाक वस्तु को रेलवे परिसर में लेकर आना अपराध है, यह किस सेक्शन द्वारा है, तो आपका उत्तर होगा सेक्शन 164 द्वारा। अगर कोई अनलॉफुली डेंजरस गुड्स को रेलवे में लेके आते हैं, रेलवे परमिशंस में लेके आते हैं, तो वह गैरकानूनी है, दंडनीय अपराध है, जिसके लिए उनको सेक्शन 164 द्वारा जो है पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। 27 में नियम के विरुद्ध ऑफेंसिव गुड्स को रेलवे परिसर में लाना दंडनीय अपराध है, यह किस सेक्शन द्वारा है, तो आपका उत्तर होगा 165 रेलवे की धारा 165 द्वारा। अगर कोई यात्री अनऑथराइज ढंग से अगर ऑफेंसिव गुड्स को जो है रेलवे परमिशंस में लेके आते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। 28 में प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, जिसके लिए 200 रुपये का जुर्माना है, किस सेक्शन में आते हैं। देखिए, धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और स्मोकिंग जो है रेलवे परमिशन या ट्रेन में करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको 200 रुपये का पनिशमेंट फाइन के रूप में लिया जा सकता है। यह सेक्शन 167 द्वारा ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए स्मोकिंग से बचने की कोशिश कीजिए, यह फाइन के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए और आपके सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 29 में है अगर कोई रेलवे कर्मचारी शराब पीकर या नशे में ड्यूटी करते हैं तो उनको 500 रुपये का जुर्माना या 1 साल का जेल या दोनों हो सकता है। यह रेलवे के किस धारा द्वारा है, यह रेलवे की धारा 172 द्वारा है। रेलवे का सेक्शन 172 कहता है, 172 कहता है कि अगर कोई रेलवे सर्वेंट ऑन ड्यूटी ड्रिंक करके या नशे में ड्यूटी करते हैं तो वह पनिशेबल ऑफेंस है, जिनके लिए उनको 500 का जुर्माना या 1 साल का जेल दोनों हो सकता है, ठीक है। 30 में है एबॉन्डोइंग ट्रेन विदाउट ऑथोरिटी, जिसके लिए 1000 रुपये का फाइन या 2 साल का जेल या दोनों हो सकता है, किस सेक्शन द्वारा ऐसा होता है, तो इसका सेक्शन होगा 173 रेलवे की धारा 173 द्वारा ऐसा पनिशमेंट दिया जा सकता है। आई नोट में कुछ देख लेते हैं। नोट पहला कहता है ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 137, 141 टू 147, 157, 162, 164 कम्स अंडर सेक्शन 179। इस पॉइंट को समझिए। रेलवे का सेक्शन 179 कहता है कि जितने भी सेक्शन यहाँ मेंशन किए गए हैं, सेक्शन 137 टू 139, 141 टू 147, सेक्शन 157, 162, सेक्शन 164, इसके अंदर अगर कोई पनिशमेंट दिया जाता है किसी पैसेंजर्स को तो उनको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने में उपलब्ध कराना है, मजिस्ट्रेट के सामने में ले जाना है। यह रेलवे का सेक्शन 179 कहता है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया।
कहता है कि सेक्शन 137 टू 139, सेक्शन 137 से लेकर 139, 141 से लेकर 147, सेक्शन 157, सेक्शन 162, सेक्शन 164, इसमें जो भी पैसेंजर्स पकड़े जाते हैं उनको अगर पनिशमेंट देना है तो उनको 24 घंटे के अंदर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने में उपलब्ध कराना पड़ेगा, रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने में लेके जाना पड़ेगा। यह रेलवे का सेक्शन, रेलवे की धारा 179 कहता है, 179 कहता है, ठीक है। नोट दो कहता है ऑफेंसेस अदर देन दोज अंडर सेक्शन 179 कहता है फेक अगर कोई नेम और एड्रेस देते हैं और ये क्या बोलते हैं, और 179 के अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सभी के सभी सेक्शन 180 में आते हैं, रेलवे की धारा 180 में आते हैं। इसमें क्या होता है आइए समझते हैं, रेलवे की धारा 180 क्या कहती है आइए उसको समझ लेते हैं। पहला है कि ऑफेंसेस अदर देन दोज अंडर सेक्शन 179, एक धारा 179 में जो भी पॉइंट ऊपर बताए गए हैं इसमें अगर जो भी वहाँ सेक्शंस दिए गए हैं उसमें पकड़े जाएंगे तो उनको 24 घंटे अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने में ले जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी सेक्शंस ऊपर हम लोग देखे हैं अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो रेलवे का सेक्शन जो 138 है उसके द्वारा क्या करना है, उनसे पेनल्टी वगैरह कलेक्ट करना है, ठीक है ना। अगर कोई पैसेंजर अगर अपने नाम को अपने एड्रेस को अगर गलत बताते हैं तो वैसे पैसेंजर्स को रेलवे की धारा 180 कहती है, 180 कहता है कि मजिस्ट्रेट के सामने में उनको भी जो है 24 घंटे के अंदर क्या करना है, उपलब्ध कराना है, ठीक है ना। तो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 31 में है द रेलवे एक्सीडेंट एंड अनटॉवर्ड इंसिडेंट्स कंपनसेट रूल्स 2016 ये क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए रेलवे जो एक्सीडेंट होता है, रेलवे में जो एक्सीडेंट होता है चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो उससे जुड़े हुए आइए कुछ रूल और रेगुलेशंस उसके सेक्शंस को देख लेते हैं, जिससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सेक्शन 124 कहता है एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी, ट्रेन एक्सीडेंट हो, अगर ट्रेन एक्सीडेंट में अगर डेथ हो, इंजुरी अगर पैसेंजर्स का होता है, लॉस ऑफ लगेज है, ठीक है ना, रेलवे स्टाफ ऑन ड्यूटी अगर डेथ करते हैं तो उनको जो एक्स ग्रेटिया इमीडिएट रिलीफ जिसको हम कह सकते हैं विक्टिम को दिया जाता है, किसके द्वारा, रेलवे की सेक्शन 124 द्वारा, ठीक है ना। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ दिया जाता है, किस तरह के कंडीशन में कितने जो है रिलीफ जो है विक्टिम्स को दिए जाते हैं, दोषी को दिए जाते हैं या जो उसके उस दुर्घटना में हुए रहते हैं यात्री उनको दिए जाते हैं, उसके जुड़े हुए कुछ रिलीफ अमाउंट को देख लेते हैं। देखिए यहाँ TA का जो मतलब हम शॉर्ट में लिखे हैं इसको TA का मतलब समझिएगा ट्रेन एक्सीडेंट है, ठीक है ना, और यहाँ जो TA है यहाँ भी ट्रेन एक्सीडेंट है, एंड के बाद जो MLCG जो लिखा हुआ है इसको मैंड LC गेट है, ठीक है ना, मैन LC गेट है, और अनटॉवर्ड इंसिडेंट है उसमें कितना अमाउंट मिलेगा, अगर डेथ होता है, ठीक है ना, डेथ कंडीशन में 50,000 रुपये उनको रिलीफ दिया जाता है रिलीफ के रूप में, अगर अनटॉवर्ड इंसिडेंट में अगर ऐसा डेथ होता है तो उनको 15,000 रुपये दिया जाता है। अब आपके मन में होता होगा कि यह अनटॉवर्ड इंसिडेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग नीचे चर्चा करेंगे, अभी पॉइंट को समझिए। अगर डेथ है तो TA एंड MLCG अगर मैंड LC गेट अगर उस कंडीशन में ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो वहाँ 50,000 रुपये डेथ में दिया जाता है, अगर वहीं अनटॉवर्ड इंसिडेंट है तो उसमें 15,000 रुपये दिया जाता है। ग्रीवियस इंजरी है तो ये TA और ML जो मैंड LC जो गेट होंगे उस कंडीशन में 25,000 रुपये दिया जाता है, अनटॉवर्ड इंसिडेंट में 5,000 रुपये दिया जाता है। अगर सिंपल इंजरी है तो मैंड LC गेट के सेंस में जो है 5,000 रुपये और उसमें जो है 500 रुपये दिया जाता है। कंपनसेशन जो है अगर डेथ केस में जो है मैक्सिमम जो है 8,00,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए पॉइंट 32 कहता है इंसिडेंट कम्स अंडर सेक्शन 124A। अब आइए ऑन टू वार्ड इंसिडेंट में क्या आएंगे, उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे टेररिस्ट एक्ट है, टेररिस्ट एक्ट को हम लोग अनटॉवर्ड इंसिडेंट में इंक्लूड करते हैं,
ठीक है ना। लेकिन अगर वही सुसाइड हो, अटेम्प्ट सुसाइड हो, तो उसको हम लोग ऑन टुवार्ड एक्सीडेंट में या इंसिडेंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, डकैती है इसको हम ऑन टुवार्ड इंक्लूड ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में इंक्लूड करेंगे डकैती को। लेकिन अगर वहीं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हो तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। थेफ्ट हो, चोरी है, तो उसको ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं। अगर वहीं ओन क्रिमिनल एक्ट हो तो उसको हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्ट ऑफ गॉड है, उसको ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। अगर वहीं यानी नेचुरल डिजीज है तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सीडेंट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन, एक्सीडेंट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन, उसके बाद एक्ट ऑफ वार है, ये दोनों अगर है तो इसको हम लोग ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वहीं एनी एक्ट कमिटेड बाय हिम इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन अगर कंडीशन है तो उसको हम लोग ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको हम इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, एक बार फिर मेमोराइज कर देते हैं। देखिए कहता है ऑन टुवार्ड जो इंसिडेंट है उसमें किसको इंक्लूड करेंगे, तो टेररिस्ट अटैक है करेंगे, डकैत है, थेफ्ट है, एक्ट ऑफ गॉड है, इंसिडेंट फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन है, एक्ट ऑफ वार है, ये सब के सब जो है ऑन टुवार्ड इंसिडेंट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 33 में है किस सेक्शन द्वारा कंपनसेशन का आवेदन दिया जाता है, अप्लाई किया जाता है, अप्लीकेशन दिया जाता है, तो सेक्शन 125 है, रेलवे का सेक्शन जो 125 है उसके द्वारा हम लोग कंपनसेशन के लिए अप्लीकेशन देते हैं। 34 में इंटरिम रिलीफ बाय रेलवे कम्स अंडर विच सेक्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन 126। इंटरिम जो रिलीफ जो रेलवे द्वारा दिया जाता है वो रेलवे की धारा 126 द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी और लॉस ऑफ गुड्स कम्स अंडर विच सेक्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी 127। क्वेश्चन नंबर 36 सेविंग एज टू सर्टेन राइट्स कम्स अंडर विच सेक्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 128। क्वेश्चन नंबर 37 पावर टू मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लियबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेथ एंड इंजरी टू पैसेंजर ड्यू टू एक्सीडेंट, योर आंसर विल बी सेक्शन 129। क्वेश्चन नंबर 37 किस सेक्शन द्वारा रेलवे ब्रेक वैन में यात्री सामान और ICP के रूप में कैरी कर सकता है, आपका आंसर होगा 100 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है रेलवे के किस सेक्शन द्वारा हैंडिंग ओवर मेमो तैयार किया जाता है, आपका आंसर होगा 139 द्वारा। रेलवे का धारा 139 कहता है कि अगर कोई पैसेंजर फाइन नहीं दे पाता है तो उसको नेक्स्ट सेक्शन पर हैंड ओवर किया जा सकता है, या रेलवे की धारा 139 द्वारा। ठीक है ना, देखिए रेलवे का सेक्शन 60 भी है, जो उसके बारे में बताइए कि रेलवे का सेक्शन 60 क्या कहता है। ठीक है ना, तो सर कंट्रोल LDC क्लासेस में आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।